हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ, जी हाँ, 10th क्लास फुल मैथ फॉर्मूलाज, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सही होने वाले हैं आपके लिए। जी हाँ, मैथ के फॉर्मूलाज, जी हाँ, 10th क्लास के। लाइक कर दें, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। और बच्चों, आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं ये फार्मूलाज, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको आसानी से समझ आएंगे। साथ साथ मैं खुद भी लिखूंगा और कुछ आपको रिटर्न आपको दिख जाएंगे। और जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा और स्टार्ट कीजिएगा, इसको आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा साथ साथ, ताकि आपको कुछ तरह समझ आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिया रियल नंबर्स, आपको जैसे दिख ही चुका होगा पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर्स। तो उसमें कोई क्या फार्मूला है, उससे पहला फार्मूला है एक्स प्लस ए, जैसे आपको दिख ही रहा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स दैट इज इंटू ए इंटू बी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर दैट इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू एक्स वाई टू जेड एक्स सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है इम्पोर्टेंट, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब सॉरी माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब अगर हो तो वो होता है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस थ्री वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई क्यूब, अगर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब हो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर इन माइनस वाई क्यूब। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आ जाता है। सो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैक क्लोज एंड ब्रैक टू रू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फार्मूले। अगर इसमें ऐसे आ जाए कि इफ़ हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास जीरो गिवन हो तो उस केस में हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ और भी हैं, देखिए कुछ आप और भी का बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट दो टर्म्स। अगर कोई भी नंबर अगर उसका फैक्टर टू एंड फाइव आ रहा है, अगर किसी भी नंबर का फैक्टर टू एंड फाइव से मतलब एंड हो रहे हैं, अगर हमारे कोई भी हमारे पास नंबर अगर उसके अगर फैक्टर फाइव एंड टू है तो वो हमेशा नंबर है ज़ीरो से एंड होगा। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं टू फाइव सिक्स ज़ीरो, तो इसमें से टू एंड फाइव इनके फैक्टर जरूर होंगे, चाहे आप इसका एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। सॉरी नेक्स्ट है फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। अगर हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर, जैसे आपको पता है पी वाई क्यू की फॉर्म में ये ऊपर न्यूमिनेटर होता है डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में अगर टू की पावर एम इंटू फाइव की पावर एन बचा है, अगर हमारे पास ऐसा ऐसी फ्रैक्शन बची है पावर में, तो उसका जो हमेशा जो आंसर होगा वो उसका जो फ्रैक्शन होगा हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट होगा, कहीं ना कहीं जाके जरूर ख़त्म होगा, टर्मिनेट होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर में यही थे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं चैप्टर पॉलीनोमियल्स के क्वेश्चंस, पॉलीनोमियल्स के फार्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपके स्क्रीन पर, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें आपको पता है पॉलीनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी बात होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जी हाँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही है, जनरल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक कौन सी होती है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू अगर हमारे पास कोई भी एक एफ एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी इज अ कॉन्स्टेंट, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास अल्फा एंड बीटा, जो कि क्या है
आर द ज़ीरोज़। इसमें ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं, जो टू ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़। तो उनका सम अगर हम देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इस बी अपॉन दिस। ऐसी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, दिस अपॉन फिर दिस, यानी कि सी अपॉन ए। सो ये आपको टर्म्स याद रखनी है। अली हमेशा हमेशा होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। अब हमारे पास अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक की जगह और आ जाए, हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास हमने तीन ले लिए, उसमें अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तीन जीरोज ले लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये ध्यान रखना है, इसमें माइनस नहीं है, तो आप इसको ध्यान से नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बी अपॉन ए सेम वही, फिर सी अपॉन ए प्रोडक्ट, फिर एक और बचा तीनों के प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा और गामा, इन तीनों के प्रोडक्ट हो गई डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछे जा सकते हैं, तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। अब इसमें और भी आप चीज़ याद रख सकते हैं, वो बताता हूँ आपको कैसे आपने याद रखने हैं, वो क्या चीज़ है वो आप देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है, जैसे ये देखिए अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का, हमारे पास अगर ए है इज इक्वल टू माइनस टू अल्फ़ा बीटा, ये आप ध्यान से रख सकते हैं। अब हमें, हमें सपोज कर लो ना यही दिया हुआ है, तो हमें इसको फाइंड करना है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमें को अगर ए प्लस बी फाइंड करना है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ए स्क्वेयर ए प्लस माइनस बी फाइंड करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वेयर, दैट इज किसके इक्वल आएगा हमारे पास, फोर अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है। अगर हमें क्यूब फाइंड करना है, सपोज कर लो एक अल्फ़ा क्यूब अपॉन बीटा क्यूब गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट ए फोर प्लस बीटा फोर इफ गिवन, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस टू अल्फ़ा बीटा होल स्क्वेयर। और इज दिस वैल्यू, हमें अगर ये वैल्यू नहीं पता तो हम इसको भी आगे चेंज कर सकते हैं। हमें पता है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये हमने निकाला है ये रहा, तो सीधी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, हमारे पास ये आ जाएगा पुट करने पे। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, ये सारा होल का होल स्केयर, क्योंकि ये सारा होल स्केयर है, माइनस टू अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। सो इस तरह हम अल्फ़ा फोर प्लस बीटा फोर के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर हमें पूछी गई हो इस फार्मूला से। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा जो फार्मूला। सो आप इसको प्रैक्टिस करें लिख के, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, जी हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास को पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जल्दी से जल्दी बताइए, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। तो अगर एक लाइन की इक्वेशन ये है तो दूसरी लाइन क्या हो सकती है, तो दूसरी लाइन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। अगर एक और लाइन और हो तो ए टू प्लस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। सो दैट्स द मेन, सपोज कर लो ये लाइन एल वन है, ये लाइन एल टू है। अब इसके दो केस, तीन केसेज आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट,
जो हम वो केसेस पढ़ते हैं, तो वो केसेस कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला केस, अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू हो जाए बी वन अपॉन बी टू, और इस पर अगर ये नॉट इक्वल टू हो, दोनों ये इक्वल ना हो, हमने सिर्फ यही चेक करना है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारे पास लाइन कौन सी हैं। तो लाइन है हमारे पास, जी हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब लाइन जो है लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका एक कॉमन पॉइंट है। अगर उनका एक कॉमन पॉइंट है तो वो लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। अब वो कंसिस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं उसका जो मतलब कि कितने सोल्यूशंस है, हैविंग वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन कह सकते हैं, और वन सोल्यूशन भी कह सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, उसका एक यूनिक सोल्यूशन है। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर इनकी जो ये रेशियो है, जैसे ए वन ए वन ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, तो ये लाइंस कौन सी होती हैं? ये दो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो इसका नो सोल्यूशन, और इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। थर्ड केस हमारा यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। थर्ड केस यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर एक्स वन सॉरी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू, तीनों इक्वल हों, तो इसमें क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि तीनों जो एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन मर्ज कर रही है, दूसरी लाइन के ऊपर वो कॉन्सिडेंट है, तो इसके बहुत सारे मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। क्यों मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं? क्योंकि इन्फाइनाइट लाइन हो सकते हैं, इन्फाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो मैनी सोल्यूशन, तो इसका आंसर होता है मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन मतलब इसके इन्फाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा मैनी सोल्यूशन। सो ये हमारे तीन केस हो सकते हैं किसके, लीनियर इक्वेशंस के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट तीन केस हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, पहला केस क्या है, जब दोनों ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, इसी करके ए वन बाई ए टू जो है इक्वल नहीं है। तो अगर पहले दो केस में नहीं कर रहे, सी वन सी टू इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इसमें मतलब वो पैरेलल लाइंस है, इसमें नो सोल्यूशन, और इसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। लास्ट वाले को क्या कहते हैं हम, ये भी कंसिस्टेंट होता है बट इसमें मैनी सोल्यूशन होते हैं और इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कह सकते हैं। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो आपको पढ़ना, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपको अभी मैंने बताया था कि पिछले केस में भी बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी बात हुई थी। तो दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि कैसे, सबसे पहले इसमें निकालना होता है कि इसके रूट्स कैसे निकालें। तो रूट्स के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेट मेथड यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेट कैसे निकालते हैं, दैट इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। ओके, अब इसकी थ्री कंडीशंस हैं, वो थ्री कंडीशंस कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन, अगर ये डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी नेगेटिव आ जाता है, लेस देन ज़ीरो आ जाता है, तो इसका मतलब इसके रूट्स होंगे, इसके नो रियल रूट वो होते हैं, वो प्लस वन में पढ़ोगे आप कौन कौन से रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको कोई याद करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं, सिंपल याद रखिएगा नो रियल रूट, अगर कोई रियल रूट नहीं होगा। अगर वैल्यू इसकी आ जाती है नेगेटिव मतलब माइनस वन माइनस टू ऐसी कुछ वैल्यू आ जाती है लेस देन ज़ीरो, तो उसमें आ जाएगा ये। तो अगर सेकेंड केस, अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब जो उसके दोनों रूट है वो इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स, दोनों के रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर थर्ड केस हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है, तो इसका मतलब रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे, यस रियल रूट है इसके, रियल रूट, इसमें रियल रूट नहीं थे, इसमें रियल रूट भी होंगे बट वो इक्वल भी होंगे, इसमें रियल रूट होंगे बट डिस्टिंक्ट मतलब सेम नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम।
अब आपको पता है क्वाड्रेटिक में एक और फार्मूला भी होता है निकालने के लिए। जैसे अगर हमने रूट्स निकालना है, जैसे यहीं पीछे बता देता हूँ आपको कि जैसे हमने रूट्स निकालना है एक्स, तो इसके इक्वल होता है, अगर हमने रूट्स हमें पता लग गए कि ये पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं हम एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेंट होता है अपॉन 2 into a। सो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा फार्मूला। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है जी हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे फार्मूलाज होते हैं, जैसे आपको पता है हमारे पास कोई भी एपी है, अगर हमारे पास कोई भी एपी एग्जिस्ट करती है कोई भी एपी, तो हम उसको फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एपी है, सपोज दैट इज एपी इज a1 a2 a3 अप टू an, तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे थर्ड टर्म, ये हमेशा इक्वल होती है, कांस्टेंट होता है, जो भी मर्जी डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ये किसके लाएगा इक्वल टू, ये अप टू आ जाएगा, यानी कि an अगली वाली टर्म माइनस जो पिछली टर्म क्या हो जाएगी an-1। सो ये एक्चुअली ये क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसका, अगर हमने सपोज कर लो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास ए है, तो ये nth टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, nth टर्म an इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, विद डी इज ए कॉमन डिफरेंस, an इज nth टर्म, और ये हो जाएगा। और अगर हमारे पास सम फाइंड करना है हमने इसका, तो अगर हम सम फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, सम ऑफ nth टर्म दैट इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका एक और फार्मूला भी है दैट इज sn इज इक्वल टू n/2 an, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं ए लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, सिंपल आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, जैसे ए फर्स्ट फर्स्ट टर्म प्लस और लास्ट टर्म al, ठीक है। और इसको भी हम लिख सकते हैं, अगर हमने sn की फॉर्म में लिखना है, सम की फॉर्म में, an किसके इक्वल होता है, जो सम होता है, सम s of n-1। सो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं किसके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी हाँ दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं हम जी हाँ डिस्टेंस फार्मूला। जी हाँ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई पॉइंट ए है, सपोज दैट इज x1 y1, और एक पॉइंट बी है दैट इज x2 y2, तो इसमें से अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला इसका, डिस्टेंस ऑफ ए बी दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वेयर। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं तब भी ठीक होगा, x1 - x2 का स्क्वेयर हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाना है, चाहे y1 - y2 का होल स्क्वेयर लेने तभी से हो जाएगा। अब इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक और फार्मूला पढ़ना है, दैट इज सेक्शन फार्मूला। जी हाँ सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हमारे पास दो पॉइंट है सपोज कर लो, एक ए है और एक बी है, दैट इज एक है हमारे पास x1 y1, दूसरा है हमारे पास x2 y2, और एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन जो काट रही है वो एक्स वाई किसी कोऑर्डिनेट पे एम रेशो एन में ये कट रही है लाइन, तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सो ये एक्स के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू एम इंटू x2, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1, मतलब x1 के ले लेंगे हम गए और यहाँ पर नीचे एम प्लस एन। वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट दैट इज एम इंटू, अगर हम सिंपल सी बात करें एम इंटू y2, जैसे क्रॉस करना है एम इंटू y2, तो एन इंटू क्या हो जाएगा प्लस एन इंटू y1 अपॉन एम प्लस एन।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये m और n की फॉर्म में अगर वो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है, जी हाँ, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर वही दो लाइनें हैं x1 y1 एंड x2 y2, और वो कट कर रही हैं xy पे, ए और ये कोई पॉइंट बी है, तो इसमें जो मिड पॉइंट x क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू x1 plus x2 upon 2। ऐसे ही y क्या आ जाएगा, y1 plus y2 by 2। एक और होता है इसमें पॉइंट्स कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, सेंट्रोइड का क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसका एक सेंट्रोइड है, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x2 y2 एंड x3 और y3 है, तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट पहले क्या हो जाएगा, x1 plus x2 plus x3 by 3। ऐसी वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x y1 plus y2 plus y3 by 3। सो दीज आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसमें बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास सबसे पहले फार्मूला होते हैं, जैसे सबसे पहले जानने से पहले हम ट्राइंगल के बारे में समझते हैं। ये ट्राइटेंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो हमारे पास ये है हमारे पास ए बी और सी। तो दूसरा एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो अगर हमने ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये होता है हमारे पास, इसे कहते हैं हम, हमारे पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। वो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन सी होती हैं फार्मूलाज, एक होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा मतलब ये जो सामने वाला एंगल है, सामने वाला ऑपोजिट जो सामने वाला है अपॉन, और जो सॉरी जो हाइपोटेनियस है, ये जो बड़ी बड़ी साइड है, तो सामने वाला यानी कि ए बी अपॉन, और हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। तो हम लिख सकते हो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे होता है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास, बी सी, हाइपोटेनियस वही ए सी, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही हमारे पास होता है टैन थीटा। टैन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये साइन थीटा, अगर ये थीटा यहाँ हो जाता तो हमारे पास परपेंडिकुलर बी सी हो जाता है, ये ध्यान रखना है। दोबारा बता रहा हूँ, एक चीज़ में ध्यान रखनी होती है, अगर ये एंगल थीटा हो जाता तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है ये। अब ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हम ए बी ले रहे हैं। अगर ये थीटा होता, मान के ये बीटा मान लेते हैं हम इसको, एंगल कोई भी बीटा मान लेते हैं, तो ये बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, इस सामने वाला एंगल हो जाएगा। जैसे हमें इसको यहाँ पर लिखना है, अगर मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ साइड पे, कि हमारे पास अगर साइन हमने बीटा निकालना है, तो इसके इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बी सी हो जाएगा अब, और हाइपोटेनियस वही रहेगा ए सी। सो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ऐसी सभी में बीटा निकालना है। अगर बीटा मतलब मैंने ये नाम ले लिया इसका, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे इसके ऑपोजिट भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास सिकेंट, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसिकेंट। कॉसिकेंट इसका उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन पी, यानी कि इसका ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। ऐसे हमने सिकेंट थीटा निकालना है, तो सिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट एच अपॉन बी, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। ऐसी टैन का थीटा होता है कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। वेरी इजी, आई थिंक आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर ये आपको समझ आ गया तो ये बेसिक आपका क्लियर है। हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला देखिए आप, बहुत इसका ऑपोजिट कर सकते हैं, जैसे साइन का ऑपोजिट क्या है, अब हम थोड़ी सी आइडेंटिटीज देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा इंटू, अगर मैं उसके ऑपोजिट को मल्टीप्लाई कर दूँ, कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, हमें पता है। और कैसे पता लगा, साइन ऑफ थीटा, एक लाइन लग गई है, कोई बात नहीं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू इंटू, हम इसके इसको ऐसे कह सकते हैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा। ऐसे ही
सेम हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा, या इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं और सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉट थीटा। अब इसमें एक चीज़ बताने वाला हूँ बहुत अच्छी आपको कि जो टैन थीटा, देखो टैन थीटा क्या होता है, अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं साइन अपॉन कॉस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी ए सी कैंसिल हो जाएगा, बचा ए बी अपॉन बी सी, वो क्या है ए बी अपॉन बी सी क्या है टैन थीटा ही तो है, हम साइन अपॉन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं कॉट थीटा को, कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका ऑपोजिट कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऑपोजिट कर दिया ना हमने उसको, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो गया कॉट थीटा। ऐसे अगर हमने टैन थीटा लिखा था अभी मैंने लिखा था, तो वो क्या होता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा, इसका ऑपोजिट कर देंगे। सो अगर ये आपने फार्मूला याद कर लिए तो ये आपका बेसिक क्लियर हो चुका है। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो होने वाली हैं वो है हमारे पास, जैसे पहली हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा होगा ये तो आपको याद है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब इसमें आइडेंटिटीज कहीं पर ना प्रूफ करना आ जाता है, तो आपको सिंपल थोड़ा सा बता दो ट्रिक, जैसे मैंने अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, सॉरी यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर वन माइनस उधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लग रहा है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कह सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहने दो, उधर को इधर ले जाओ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कौन सी डेंट लग रही है वन का स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। सो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको इजीली प्रूफ होने चाहिए, याद होने चाहिए, जितने याद रखोगे प्रूफ होना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी होती है जो दैट इज वन माइनस वन प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा, अगर हम इसको उधर ले जाएं तो दैट इज़ वन इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा, और हम कह सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर मतलब कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, इसके इक्वल है ये वन के इक्वल है। अगर बाई चांस ये तो पहला टर्म होगी, अगर बाई चांस हमने इसको और लेके जाना है चेंज करना है वन को उधर लेके जाए, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसमें कि हम कॉट को ले गए थे उधर, तो कॉट को ले गए थे हम, अगर हम कॉट को यहीं रखें सेकेंड टर्म में, कॉट को यहीं रखें हम, कॉट को यहीं रखें कॉट के थीटा उधर ले जाएं वन को, यानी कि कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा ये भी ए स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर, यानी कि कोसिकेंट थीटा प्लस वन इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस वन, ये भी एक आइडेंटिटी होगी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक आइडेंटिटी हमारे पास है, आपने पढ़ा होगा वन प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्केयर थीटा, दैट इज अगर हम इसको भी लिख सकते हैं टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वेयर थीटा माइनस वन, और वी कैन से दैट कॉट थीटा प्लस वन इंटू कॉट थीटा माइनस वन, और हम इसमें एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे टेन वन इज इक्वल टू, अगर हम टेन को उधर ले जाएं, अगर हम टेन को उधर ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू वन। सो ये भी आइडेंटिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो आई थिंक आपको समझ आया ये।
हाँ जी, अब बात करते हैं जी। हाँ, कुछ एंगल्स आते हैं, देखो आपको एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल में कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास थीटा, तो थीटा में कौन कौन से एंगल होते हैं हमारे पास, एक होता है 0, फिर 30, फिर 45, 60 एंड 90। तो इनके एंगल्स कैसे निकालना है आपको बताता हूँ मैं, फटाफट आपको निकाल के बताते हैं इसमें कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। जैसे हमारे पास साइन थीटा, साइन कौन सा लेना है हमने, साइन 0, पहले लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे लिख लिया। अब 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, इसका अंडर रूट ले लो सभी का अंडर रूट ले लिए, स्केयर रूट कर दो सबका स्केयर रूट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/√2, ये क्या आ जाएगा √3/2, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अब साइन की वैल्यू निकल गई, कॉस की इतनी आसान है, कॉस के ऊपर ऑपोजिट, जैसे 90 की जो है वो इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 0 की है उसकी ऑपोजिट 0, ये दोनों सेम रहेगा 1/√2, और ये ऑपोजिट हो जाएंगी। ये 60 वाली जो साइन की 3/2 इसकी हो जाएगी, ये 1/2 इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब जो टैन निकालना तो कितना आसान है, इसको वो तो रैप इसको कर लिया, साइन बाई क्या होता है 0, और ये क्या हो जाएगा 1/2/√3/2, यानी कि 1/√3, ये जाएगा 1 tan 45, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा √3, डिवाइड करेंगे हम इसको तो हो जाएगा अनडिफाइंड, ये होता है अनडिफाइंड। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं जी, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम सपोज कर लो, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जर्वर है, जैसे कोई भी ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है ऐसे, तो यहाँ से ए और बी नीचे खड़ा है और ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ से कोई ऊपर देख रहा है, तो इसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कहते हैं अगर हम ऊपर देख रहे हैं, अगर हम ऊपर देख रहे हैं यहाँ से ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब यहाँ से देख रहे हैं, आपकी आँख जो है यहाँ पे है, आपकी जो आइज़ है वो यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर देख रही है, तो ये पैरेलल एक्स एक्सिस का जो एंगल बना है ये थीटा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। वही सेम इसमें बाकी फार्मूले यूज हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सपोज कर लो अगर यही बिल्डिंग है ऐसी, ऊपर से कोई टावर है, टावर से अगर हम ऊपर खड़ के नीचे यहाँ से देख रहे हैं, नीचे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से खड़ के नीचे यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से जो पैरेलल एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनेगा थीटा, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर वाली एक्सिस के साथ, ऊपर वाली लाइन के साथ, ये वाला एंगल ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जी हाँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स कौन कौन से होते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इसकी हम बात करते हैं। हाँ जी, एरिया रिलेटेड सर्कल में क्या है हमारे पास, अगर सपोज कर लो ये सर्कल है, और सर्कल थोड़ा सा सही बना लेते हैं इसको, हमारे पास कोई भी एक सर्कल ले लेते हैं, मान के चलते हैं सर्कल ड्रॉ, एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ पर, ये सर्कल है हमारे पास, और उसका जो रेडियस ले लेते हैं हम यहाँ से सेंटर, सेंटर से आर रेडियस, तो ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस अगर आर है, तो इसका जो हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, और अगर पाई आर स्क्वेयर एरिया होता है तो इसमें आपको पता है रिलेशन आर का रिलेशन क्या होता है, और सॉरी सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है इसका 2 पाई आर, यानी कि इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं पाई डी, क्योंकि 2 आर क्या होता है, क्योंकि जो 2 × 2 आर क्या हो जाता है हमारे पास डायामीटर, यहाँ तक R+R 2R। सो ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब हमारे पास कई बार पूछा जाता है सर्कल का, जैसे ये सेंटर है, सेंटर ओ और ए बी, तो हमने इस सेक्टर का, इसे कहते हैं ए सेक्टर, जैसे ए ओ बी, ए ओ बी क्या है हमें पता है, ये क्या है, ए ओ बी क्या है, सेक्टर है, तो एक सेक्टर है, तो हम सेक्टर का अगर एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ए ओ बी, तो उसके सामने वाली क्या होती है, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क, एल, एल क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या हमें पता है, रेडियस है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए बी डेट इज़ इक्वल टू कितना जी एंगल बना रहा है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल होता है, इनटू उसका स्केयर, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ, तो लेंथ होती है कितना, सेम वही, कितनी हमारे पास ये इसकी जो आर्क है यहाँ, सॉरी कितना थीटा बना रहा है अपॉन 360 इनटू कितनी लेंथ आर्क बना रही है, इनटू 2 पाई आर, सो ये लेंथ होती है। और अगर इसमें रिलेशन की बात करें तो जो हमारे पास एरिया होता है सेक्टर का, तो इक्वल होता है लेंथ ऑफ आर्क इनटू आर बाय टू, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एरिया ऑफ सेक्टर किसके होता है, लेंथ इनटू आर बाय टू, आर बाय टू कर देंगे, लेंथ इनटू आर बाय टू कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा डायरेक्ट। अब हम पढ़ते हैं जी हाँ सर्कल का कुछ एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला। जैसे हमारे पास ये कोई सर्कल है, तो इसलिए मैंने एक कॉर्ड लगा दिया इसे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेगमेंट एरिया, इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। यहाँ से सेंटर है, यहाँ से ये क्या है, ये आर है, ये भी क्या है, आर है, ये क्या एंगल थीटा है, तो ये क्या हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप सीधा इसमें लगा सकते हैं फार्मूला, ठीक है, इसमें सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, आर्क स्क्वायर दैट इज पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई टू। सिंपल, अगर आप एरिया ऑफ सेगमेंट इसका फाइन करना है, जैसे ए ए बी ये सेगमेंट है, एरिया इसका, तो अगर आपको पूछा हो कि सिंपल लेंथ ऑफ द सेगमेंट कि उसमें उसमें कितनी लेंथ है वगैरह की, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये सेंटर ए ओ होता है, ये सेंट्रल एंगल होता है, और ये केस तभी होगा, ये केस जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, तभी ये फार्मूला लगेगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो एरिया ऑफ सेगमेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो कैसे, वो हो जाएगा आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन ऑफ थीटा बाय टू कॉस ऑफ थीटा बाय टू। तो ये आपको याद रखना है, अगर केस केस क्या है इसमें, कि अगर थीटा लेस देन 90 है तो हम ये यूज़ करते हैं फार्मूला, ये आपको ध्यान रखना है, अगर थीटा लेस देन 90 है तो ये फार्मूला, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए, ये जो थीटा है ग्रेटर देन 90 हो जाए, तो हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। दोनों केस में सेगमेंट आपका निकलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर हमें ये तो था माइनर सेगमेंट, अगर हमें मेजर सेगमेंट निकालना, मेजर सेगमेंट का एरिया, मेजर सेगमेंट क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल में से क्या करो, माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, वो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कि अगर वो आपसे पूछी भी जाती है एग्ज़ाम में, बहुत अच्छी चीज़ है वो। हाँ, अगर अगर हमारे पास कोई आधा सर्कल, जैसे सेमी सर्कल है, जैसे ये इसका एरिया कैलकुलेट करने को कहा है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, इसका एरिया हो जाएगा, ये अगर आर है तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय टू, हाफ कर दो। इसमें अगर सर्कमफेरेंस की प्रॉब्लम आती है कई बार बच्चों को, क्या होता है, जैसे ये सर्कमफेरेंस क्या है, वो होता है टू पाई आर, टू पाई आर का हाफ क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस ये पूरा डिस्टेंस क्या है, ये डी है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी सर्कमफ्रेंस होकर सेगमेंट पूछ ले, इसका सेगमेंट, सर्कमफ्रेंस का सेगमेंट, सर्कमफ्रेंस का सेगमेंट, जैसे सेगमेंट का, सर्कमफ्रेंस का सेगमेंट, पैरामीटर ऑफ द सेक्टर,
पेरीमीटर सेक्टर क्या होता है, टू टाइम्स रेडियस प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला जी हाँ, जिसमें है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें, सबसे पहले लेते हैं आपके सामने क्यूब। सबसे पहले हम क्यूब की बात करेंगे कि क्यूब हम ले लेंगे क्यूब 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 का सारे फार्मूलेज बात करेंगे। जैसे ही हमारे पास क्यूब है, क्यूब का क्या होता है, क्यूब में जो सारे साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ये अगर एल है, ये भी एल है, तो ये भी एल है। तो सभी बातें करेंगे इसमें। सबसे पहले बात कर लेंगे इसकी साइड के, हमारी बेस बेस का एरिया, नीचे वाला एरिया, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसका एरिया क्या हो जाएगा। ये एल इंटू एल, बेस एरिया हमेशा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एल यानी कि एल का स्क्वायर। ऐसे ऊपर लेटरल सरफेस एरिया, एल एस लेटरल सरफेस एरिया, ऊपर वाला एल इंटू एल, कितने सरफेस एरिया लेटरल, चार हैं, तो फोर एल स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सारा सरफेस कितने हैं, छः हैं, छः सरफेस की एल एल क्या है, सिक्स, सिक्स इंटू एल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल का क्यूब, जो होगा हमारा एल का क्यूब। अब कहीं वो डायगनल पूछ लेता है, ये डायगनल क्या होता है, इसे डी कहते हैं हम, ये डायगनल यहाँ से यहाँ से। सो डायगनल क्या होता है हमारे पास, डायगनल होता है रूट थ्री इंटू एल, वेरी इंपॉर्टेंट, डायगनल होता है रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू रूट थ्री एल। सो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ऐसा हो सकता है, जिसे पैरेलेपिपेड भी कहते हैं हम, ठीक है, और ऐसे हो सकता है। तो इसकी लेंथ विड्थ हाइट एल बी एस सारा कुछ डिफरेंट होगा। तो इसका हम बात करेंगे सबसे पहले बेस एरिया, बेस एरिया नीचे वाला एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, एल इंटू बी। तो वर्टिकल सरफेस एरिया, और हम कह सकते हैं इसे लेटरल सरफेस एरिया भी। जैसे वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होगा, एल इंटू एच, टू टाइम्स एल इंटू एच, टू टाइम्स बी इंटू एच, यानी कि टू एच को हम निकाल लिया, आंसर क्या बचा, एल प्लस बी। आगे क्या हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टू इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो हमारे पास होगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम को बताइए, वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। और अब इसका डायगनल पूछा जाता है, तो डायगनल बहुत आसान है इसका, बहुत ईजी है। अगर हम डायगनल निकालना है, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड, तो हो जाता है रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, बस खत्म। एच स्क्वेयर तीनों का हम अंडर रूट ले लीजिए, तो डायगनल आ जाएगा ये पैरेलेपिपेड का, ये डायगनल तीनों का अंडर रूट ले लीजिएगा। ध्यान रखना है क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए क्यूबॉइड, पहले हमने क्यूब की बात की थी, ये क्यूबॉइड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी हाँ सिलेंडर की। तो हमारे पास सिलेंडर ये है हमारे पास, ये हमारे पास उसका बेस है, ये देखो सिलेंडर, बेस का रेडियस, बेस का रेडियस मान लीजिए क्या है, आर है, तो ये हाइट है उसकी। तो हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं बेस एरिया, नीचे का एरिया क्या है, बेस एरिया सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर बेस एरिया, बेस एरिया क्या है, बेस एरिया नीचे सर्कुलर जो पाथ है उसका बेस एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं जी हाँ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब यहाँ कर्व सरफेस एरिया कह सकते हैं उसे, कर्व सरफेस, क्योंकि कर्व होता है ना ऊपर से, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बेस इंटू मतलब कि इसका सर्कमफ्रेंस, इस सारे का सर्कल का सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, टू पाई आर इंटू एच। तो क्या जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया दो बार एरिया यानी कि टू पाई आर स्क्वायर प्लस किसका, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया उसका टू पाई आर एच, इसको हमने क्या निकाल लिया, टू पाई आर कॉमन निकाल लिया अंदर, आर प्लस एच, सो हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हाइट, सो दिस इज हमारा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आगे देखते हैं इसको, आगे आगे हम देखते हैं कोण, कोण कोण देखते हैं, अब हम देखते हैं कोण। सो ये हमारे पास कोण है,
ये हमारे पास स्लांट हाइट, ये हमारे पास हाइट, ठीक है, ये हमारे पास है। तो कोण का हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हमें पता है ये स्लांट हाइट होती है, ये हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है कोण की, ये रेडियस होता है। तो हमें पता है जो स्लांट हाइट होती है पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, नीचे का बेस एरिया, बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वेयर, ये हमारे पास बेस एरिया, ठीक है, पाई आर इंटू एल, सॉरी ये हमारे पास बेस एरिया, हमारे पास बेस एरिया की बात करें हम, बेस एरिया हमारे पास क्या है, बेस एरिया क्या है नीचे का, पाई आर स्क्वेयर। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, बेस इंटू एल, पाई आर नीचे इंटू एल, क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्व सरफेसेस पाई आर एल। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, दोनों का ऐड ही होता है, सबिशन ही होता है बेस एरिया का और कर्व सरफेस एरिया का, तो पाई आर एल, पाई आर कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एल प्लस आर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये होता है हमारे पास 1/3 ऑफ किसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वेयर एच, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं सफ़ियर की, सफ़ियर क्या होता है, जैसे सफ़ियर, तो सफ़ियर इज लाइक दैट, ये सफ़ियर है हमारे पास, तो सफ़ियर दिस इज अ सफ़ियर, बॉल जैसे, तो बॉल में क्या होता है, बॉल में क्या होता है, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर उसके रेडियस आर है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एक इस तरह का हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया लिखे हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वेयर। वॉल्यूम क्या होता है इसका, यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम होता है। अगर हम सेमी स्फीयर की बात करें, सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर में क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है सेमी स्फीयर में, तो ये उसका जैसे कढ़ाई होती है पुट्ठी उल्टी, ठीक है, तो इसमें बेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वेयर, और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वेयर, सिंपल। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। सो आई थिंक ये आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। सो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा जी यहाँ प्रोबेबिलिटी, तो वो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपको पता ही है, इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता है, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो क्या होती है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हमारे पास 1 आ जाए तो उसे कहते हैं यहाँ पॉसिबल, वो इवेंट क्या है, वो पॉसिबल इवेंट है, पॉसिबल इवेंट है, अगर 1 आ जाए पॉसिबल है, अगर पी ऑफ ई अगर 0 आ जाए तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और इसमें एक और होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है। आई थिंक आपका अब क्लियर हो गया होगा सारे टॉपिक्स। सो लाइक शेयर कर दो जल्दी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, अगर आपको ऐसे और चाहिए वीडियो साइंस एसएसटी के लिए और भी सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप लाइक शेयर कर दें और जल्दी से कमेंट में बताएं मुझे कि अगर वीडियो और चाहिए तो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।